नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करछि मु निवेदिता दर्शक बंधु दिनकु दिन नुआ नुआ रोगर ना सामना को आसुछि आउ ता संग को नुआ नुआ मेडिसिन रो आविष्कार मध्य सबु परे भी आम जीवन शैली रे व्यापक परिवर्तन आमे विभिन्न मारात्मक रोगर शिकार होउछन्ति हेले जदि से रोग सम्बन्धे जाणी बुझी सचेतन हेबा ताहेले हुए त आमे रोग ठारु दूरै रहि पारिबा तेबे खास सेति पई आपन को जेकोनसे रोग सम्बन्धे सचेतन कराइबा पई आमर ए स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शक बंधु हाई ब्लड प्रेशर बा उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाए यार साधारणतः कौनसी लक्षण देखा मिल न था अधिकांश समय हृदरोग रक्तचापर कारण होता है तेज केवल हृदरोग जो नुहे यार अन्न्य कारण रही तेज आसतु जाणवा ब्लड प्रेशर कौन केमी आम नियंत्रण करवा कौन रही है यार प्रारंभिक लक्षण तेज सबको नहीं आलोचना करवा आलोचना आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अच्छा कनसल्टांट आंड एचओडी डिपार्टमेंट अफ क्रिटिकल केयर आंड इंटरनाल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर प्रज्ञान कुमार राउतराय सर नमस्कार स्वागत कर ओके सर आज हमर जेमते टॉपिक रखी छेंदी आपण जानिथिबे ब्लड प्रेशर को नै सर ब्लड प्रेशर को काहे कि साइलेंट किलर कहा जाए काहे कि ना ब्लड प्रेशर गोटे जिनस धर आपण बहुत क्षेत्र रे असिम्प्टोमेटिक थाय सिम्पटम जमार हुए नै तो बहुत लोकंकर हेई पारे डेथ परे पोस्टमार्टम करले पर जाना पड़े तांका ब्लड प्रेशर थाय बोली आउ बहुत क्षेत्र रे आमे अंटिल अनलेस निजर ब्लड प्रेशर मापिने आमे जानिया बहुत डिफिकल्ट कि मते ब्लड प्रेशर अछि कि नै से जे आमे अजणता रे ब्लड प्रेशर हमर ब्रेन रे हेमरेज कर पारे हार्ट अटैक कर पारे जोटा कि डेथ परे आमे एक्चुअली पोस्टमार्टम जानि को अरे अरे ए लोकर 30 वर्ष रे 20 वर्ष रे ब्लड प्रेशर थिला ये कोन मापि नथला कि से जगह को साइलेंट किलर कहा जाए अच्छा तबे डॉक्टर राउतरे ताको केमिति डायग्नोसिस केमिति करबा ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस करिया पई कि ब्लड प्रेशर मापिया कथा नंबर वन नंबर टू है किसी सिम्टम्स भी अच्छी जोटा आप से आम अनन्याचुराल हेडेक् मुंड अनन्याचुराल बिंधिब आखिर हठात अंधार होगा हठात मुंड बुलेबा हठात आपणकर धर आप डायबिटीज की कोलेस्ट्रॉल अच्छी हठात किसी किडनी की किडनी प्रॉब्लम बाला यही सब सिम्टोमेटोलोजी तो रहा आपड़ जाके ब्लड प्रेशर मेजर कले कौन से डाक्तरखाना है कि आपंक आजिकल डिजिटल मशीन भी घरे अवेलेबल है तो ब्लड प्रेशर मापिक ही ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस करा जाए किंतु बहुत क्षेत्र आमको जाना उचित कि 50% केसेस आसीम्टोमेटिक था आप भितर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो कि आप जानी नए यहाँ मापिले ही आम जापर अच्छा तेज डॉक्टर राउतरे आउ गोटे कथा कि प्राइमरी स्टेज जो साधारण लोकटे केमी जानवे से ब्लड प्रेशर तार आगे ब्लड प्रेशर बढ़ा जाऊँच ब्लड प्रेशर द्वारा से संक्रमित केमी जान जानापी दुटा उपाय अच्छे गोटे जो जो सिम्टम गुड़ा मुझे कहली से भाया सिम्टम हेले आम ब्लड प्रेशर मापिया कथा अथवा धर आपर अन्य किसी कोमोरबिड डिजीज अच्छी जमीक डायबिटीज अच्छी कोलेस्ट्रॉल अच्छी किडनी प्रॉब्लम अच्छी सब प्रॉब्लम धर आपर अच्छी तो निहाती आपण मझे मझे ब्लड प्रेशर देखा कथा और आपर कि भी सिम्टम ना यार मोर देन 40 इयर्स ताहले भी गोटे वर्ष को थरे रेगुलरली ब्लड प्रेशर देखा कथा कि काले मोर ब्लड प्रेशर साइलेंटली बढ़ुच्छे मुझे जापारे कि कहीं ब्लड प्रेशर जितने बहुत स्लोली बढ़े ये आज मो बीपी 120 बाय 80 अच्छी आउ वर्षे पर 125 बाय 80 अच्छी आउ दि वर्ष पर 130 अच्छी तो ग्राजुआल इनक्रीज इन ब्लड प्रेसर किसी सिम्टोमेटिकली जमानी ये हिसाब से धर आप 40-45% बीपी 160 बाय 80 थी कि आम जान न थ पार तो ब्लड प्रेशर धर मोर देन 40 इयर्स अच्छे मुझे मापेबी और मोर धर किसी कोमोरबिड इलनेस अच्छे लाइक डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल किडनी प्रॉब्लम ताहले मु नेचुरली निजे स्वतः जाकि प्रति 6 मास कि वर्षे भितर निहाती ब्लड प्रेशर देखे डॉक्टर राउतराय जो कथा आपण कहते जे जे साधारण लोकर ब्लड प्रेशर लेवल केते रहबा दरकार एवं जदि जे ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर आम नॉर्मली दुईटे जिनस जानते जे साधारण लोकर ब्लड प्रेशर लेवल केते रहबा दरकार टेक्स्टबुक नॉलेज अनुसार 120 बाय 80 है नॉर्मल ब्लड प्रेशर किंतु आम कहूँ 120 125 130 ऊपर आम एक्चुअली अलार्मिंगली चिंता करूँ औषध देव कि नदेव 140 मैं आम जो ब्लड प्रेशर दुटा अच्छे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सिस्टोलिक मैंने ऊपर विषय कहूँ 120 है नॉर्मल 130 ऊपर कहे चिंताजनक 140 ऊपर कहे निहाती औषध नेबा उचित तो आउ तलटा से 90 ऊपर कहे औषध नेबा उचित तो आपण बयस आपण किसी आनुषंगिक डिजीज देखिकी आम डिसाइड करूँ कि यहाँ अलार्मिंग आम अपेक्षा करवा ना औषध आरम्भ कर डॉक्टर राउतरे आप जो पेसेंट मैंने आसती आपत एज उपर था ना नाई सेमती किसी एज लिमिटेशन ना ब्लड प्रेशर
एक्चुअली ब्लड प्रेशर है प्रेशर ऑफ द आर्टरीज आमर जो आर्टरी गुड़ा बॉडी सारा अच्छी तार प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते तो से जो आर्टरी गुड़ा कर आमर अच्छी से गुड़ा वयस क्रमे स्टिफ हम ही हम तो से जो कि समस्त प्राय 50-60 वर्ष पर आर्टरी स्टिफ है कि ब्लड प्रेशर बाहरी पाए कि एवं देखा जामें क्रमशः जी 10 वर्ष तेल आम देखुल मैक्सीम ब्लड प्रेसर रोगी मैंने मोर दैन 55-60-65 इयर्स आसते कि एवं जी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अफ लाइफ आसाने एवं आम इवेन 30 इयर्स लोकों को भी ब्लड प्रेसर दूसरी बहुत सबसेट अफ पपुलेसन आम आउटडोर धरते 30% अफ द पपुलेसन आर लेस दैन 40 इयर्स अफ एज तो 30-40 इयर्स 40-50 इयर्स भी बहुत ब्लड प्रेसर रोगी आ बहुत ब्लड प्रेसर रोगी आस एज ए किसी डिपेयर आगे जमीन 60 इयर्स अफ देखुल सब वयस क्रम मोर दैन 30 इयर्स लोक ब्लड प्रेसर रोगी आम देखें डॉक्टर राउत आम नर्माली छोट बेलू भी शुणी आसचु एत टेनसन बढ़ीगला मो बीपी बढ़ीगला तो प्रकृत में कौन टेनसन बढ़ले ही ब्लड प्रेसर बढ़ी जाए चिंताग्रस्त गोटे बड़ कारण चिंता गोटे बड़ कारण इन यंग एज ओल्ड एज तो नेचुरली आर्टरी स्टिफ हो बीपी तार नॉर्मल क्रमशः कम बढ़ो किंतु यंग एज रे जो बीपी गुड़ा बढ़ुची तापाई कि दुटा मुख्यतः कारण गोटे कारण है आप कोमोरबिडनेस कहीं जो आम जंक फुड फास्ट फुड खाऊ से लुण कंटेन्ट बहुत बढ़ुच्च तो लुण बीपी को बढ़ाए नंबर वन आउ से माने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाई डायबिटीज कि प्री डायबिटीज होती सेटा भी ब्लड प्रेसर बढ़ाए हाई कैलोरी डाइट लेस एक्टिविटी आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ुच्च सेटा भी ब्लड प्रेसर बढ़ाए ए तीन टाक छाड़देले स्वतंत्र आ गए रिजन अच्छी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अफ लाइफ एक्चुअली तो आम जेहेतु गोटे लाइफ स्टाइल बंचुचु जमी आगु जो मैंने जाते स्कूल को चलिकी जाते अलमोस्ट 5 किलोमीटर चलिकी स्कूल जाते स्कूल रे बहुत कष्ट पढ़ुते मेट्रिक परीक्षा आस पढ़ुते एवं कौन कि जैसे आम अपब्रिंगिंग टाइम बहुत इज हो जाए इज हो मैं आम बस जाऊँ एसी बस जाऊँ स्कूल पढ़ुँ मुझे समझ समझे किसी सबसेट पपुलेसन कौन तो स्कूल भी परीक्षा दौचु एत स्ट्रेस ट्रेन ना तो आम अपब्रिंगिंग में भी स्ट्रेस हैंडलींग कैपासीटा कमी कमी जा तो से स्ट्रेसटा जितने हटात यू गो आउट धर आम स्टूडेंटशिप रू जो लाइफ को बाहर को बाहर तो हो पाए से ही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अफ नर्माल लाइफ लाइक गोटे अफिस् अफिस् आसवा अफिस डेली टारगेट्स बस रार्गेट्स यू टारगेट्स हैंडल कर पारे तो से आउ स्ट्रेस आउ स्ट्रेन भी आप बीपी बढ़े पारे सर केमती बढ़े कहीं सी आप हार्ट उपर स्ट्रेस बढ़े आप हार्ट रेट बढ़े आप ब्लड प्रेसर भी क्रमश बढ़े तेज डॉक्टर राउतराय रिस्क फैक्टर कौन रही रिस्क फैक्टर नंबर वन है एनी कोमोरबिड इलनेस कोमोरबिड इलनेस कौन कौन गुटा क्रमश वन है डायबिटीज सेकेंड है आप कोलेस्ट्रॉल थर्ड है किडनी डिजर्डर फोर्थ है कि गोटे जेनेटिक एलिमेंट आम फैमिलियल हाइपरटेंशन थाए जो मैंने जेनेटिकली लिंक थाए फैमिली किसी स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा एगुड़ा हो पाए आउ किसी किसी किडनी कैंसर्स एगुड़ा भी बढ़े पाए एगुटा है प्रमोद रिस्क फैक्टर सेकेंड रिस्क फैक्टर्स है योर डाइट इफ योर सॉल्ट इनटेक इन योर डाइट इज वेरी हाई बीपी बढ़वार चान्स अच्छी एंड इफ योर फैट रिच डाइट्स आर वेरी अच्छी से गुड़ा बढ़ी पाए आउ थर्ड फैक्टर है अलॉन्ग विथ योर कोमोरबिड लाइक डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एगुटा सब रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज ओल्ड एज रे किंतु रिस्क फैक्टर अन्याडे कमी जाए ओल्ड एज है कि आप बहुत लोग सम सॉर्ट ऑफ मैलिग्नेंसी से एगुटा भी केवे केवे हमर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़े थाई परंती एगुटा कॉमन रिस्क फैक्टर अच्छा हमें डॉक्टर राउतराय देखी जे बहुत लोग एमती था ब्लड प्रेशर पे मेडिसिन खाऊ तो जानवाक चाहिए जे ब्लड प्रेशर क्यूरेबल ना नाई लाइफ टाइम पूरा मेडिसिन खावा को पड़े ना थैंकफुली ब्लड प्रेशर इज रिवर्सेबल किंतु से रिवर्सेबल हम सब परिश्रम करा पड़े जमी गोटे 10th क्लास पास कर 12th क्लास पास कर परिश्रम करा पड़े ब्लड प्रेशर कम है कि परिश्रम करा पड़े फर्स्ट है आप रिस्क फैक्टर्स गुड़ा उड़ेक पड़ो रिस्क फैक्टर्स कौन धर मोर डायबिटीज अच्छी एटलीस्ट मुझे कंट्रोल में आनवि कंट्रोल कार्ड आप औषध खाया पड़ो से एक्टिविटी करेंगे वेट कमेगा पड़ो धर मोर कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड प्रेशर रही थे कोलेस्ट्रॉल आई मुझे औषध में कमी कि डाइट कंट्रोल करी कि एक्सरसाइज कमी सर लाइफ में गोटे एक्यूट स्ट्रेस पड़े समबडी आई हैव लॉस्ट समबडी क्लोज इन माय फैमिली से स्ट्रेस बाहर को समय ने और गोटे बिजनेस लॉस होगी से स्ट्रेस बाहर तो से स्ट्रेस बाहर कोपिंग कैपेसिटी बढ़ी थ्रू व्हाट एवर इट इज आम मेडिटेशन कर योगा कर हार्ट ट्रेडमिल हार्ट एक्सरसाइज कर पार तो देर लॉट ऑफ कोपिंग लेवल लॉट ऑफ कोपिंग मेकानिज्म फॉर योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो कोप कर पार ब्लड प्रेशर इज मोस्टली आई वुड से 70% ब्लड प्रेशर आर रिवर्सेबल किंतु बहुत परिश्रम करा पड़े से परिश्रम कर डेफिनेटली एटा गोटे रोग जो रिवर्स कर तेज डॉक्टर राउतराय आउ गोटे कथा कि लाइफ स्टाइल आम चेंज हो दैनंद जीवन में आम पूर्व सिंपल खावा खावाक पसंद करते कि लाइफ स्टाइल पूरा परिवर्तन हो गला तेणु कौटना कौट लाइफ स्टाइल सहित भी ब्लड प्रेसर से किसी लिंक देखुं जिस यंग हाइपरटेंसिव इज कम्प्लीटली मोस्ट अफ द यंग हाइपरटेंसिव 90% अफ द यंग हाइपरटेंसिव जो 40 वर्ष तौक हो इवन 45 इयर्स तौक हो मोस्टली आर लाइफ स्टाइल रिलेटेड
ता कारण है लाइफस्टाइलटा जो आम रोचे गोटे कोपिंग मेकानिजम आम भल कि डेभलप करनु आम एज ए पेरेन्ट आम छुआ मानक गोटे स्ट्रेस ट्रेन कोप करा शिखनु सुधर से जितने रियल वर्ल्ड को जाऊँच से कोपिंग मेकानिजम डेभलप करना छोट छोट कथ डरी जाए छोट 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 कथ छानी जाए छोट छोट कथ कांदि पकाउं सो आमर गोटे मेकानिजम डेभलप करता कि गोटे स्ट्रेस पड़े मुझे कोप करा मो छुआ मानक शिखेबी नंबर वन नंबर टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जमीक आम जिते टारगेट लेवल्स एत बढ़ी जाऊँच एनी एनी जब यू डू तो वी यूजुअली स्किप आवर लंच मिल्स तो आम कौन कि ब्रेकफास्ट करके घर बाहर लंचटा बहुत माइल्ड करूँ जी स्ट्रेस ट्रेन पड़े से डिनर उपर अटाक करू तो आम सबसिक्वेंटली कौन कि डिनर लेवल डिनर कार्बोहाइड्रेट कंटेन्ट डिनर सल्ट कंटेन्ट डिनर फैट कंटेन्ट सिग्निफिकेन्टली बढ़ी जाए कि अनफर्चुनेटली डिनर पर आक्टिट जमा ना यू स्ट्रेट अवे गोइंग टू स्लीप आफ्टर डिनर तो डिनर हेवी रहा क्षण ताक हजम करने आम बड़ी टाइम ने से सॉल्ट को डाइजेस्ट करिया को टाइम नेलानी से जो हाई फैट डाइट करले ताको भी यूटिलाइज करिया को बॉडी टाइम ले तो सीधा अपन सोई पड़ले तो अल्टीमेटली कोन ला से सॉल्टटा सीधा ब्लड लेवल हाई रखेला ब्लड रे हाई लेवल तो ब्लड प्रेशर हाई रहला से जो कोलेस्ट्रॉलटा अपन ब्लड वेसल चारिटा लागे आर्टरी को आउरी स्टीफ कला से जो कार्बोहाइड्रेट हाई खाइले तापर खाइ सीधा सोई पड़ले सेटा न ब्लड शुगर लेवल हाई रहला तो कॉन्सिक्वेंटली लॉन्ग रन अपन डायबिटीज डेवलप करला तो स्ट्रेस लेवल कमे नंबर 1 फूड हैबिट चेंजेस नंबर 2 फैक्टर वेयर वी कैन अवॉइड द स्ट्रेस फैक्टर्स हां नियंत लाइफस्टाइल भी कोटे बडम मैटर करे तबे डॉक्टर राउत हम सते कॉलर जोड़ी छन कॉल टू फर्स्ट नहीं जबा हेलो हेलो हां मैम नमस्कार नमस्कार के कोथले कोड कोथले कोन प्रश्न रहिछ कोन तो हां मैम मो अनुगुर कोथले अमित कुमार बाय हां आगे कोन तो कोन प्रश्न रहिछ हां मैम मो प्रश्न बारे टिके असुविधा रहउजी आउ नाकु पानी बार जी नाकरे गुटे मांस पिंगा बाला बाला लागि मते एक्चुअली आमर टॉपिक किछ अलग रही ब्लड प्रेशर को नहीं तेबे बोध हुए आप टॉपिक अवगत ना डॉक्टर राउत बोधे से किसी अलग क्वेश्चन तरह थिला ठीक अच्छे तेबे डॉक्टर राउत आम कथा हो जो ब्लड प्रेशर को नहीं कि जनरली तो आहरी अनेक गुड़े प्रश्न रही जेहतु ब्रेक निर्देश अच्छे ब्रेक ने भी कितने आम जाना निश्चय जो लुण खावाई साधारण मना करते ब्लड प्रेसर रोगी को प्रकृति में या केत दूर ठीक आम आलोचना करवा कि समय को छोट ब्रेक ब्रेक पर खूब शीघ्र कर ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आम जो टॉपिक को नहीं आलोचना करछंदी ब्लड हाई ब्लड प्रेशर केमिति नियंत्रण करेंगे से संबंधी आम आलोचना करछंदी आम सहित लगातार भाव डॉक्टर राउतराय अच्छे डॉक्टर राउतराय पुणे स्वागत करी आम सहित जो कलर दीर्घ समय धरी वेट करछंदी भुवनेश्वर विजयलक्ष्मी दास मैडम आम सहित जोड़ मैडम स्वागत करुच्छे आपन को प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु ओके कॉल टी बोधे कटी जाइए ओके तेज डॉक्टर राउतरे आम जो लुण खावा कथा कथा होते ब्रेक पूर्व साधारण तो आम ए देखी जब आम खाद्य खाऊँ विशेषकर जो मैंने ब्लड प्रेशर रोगी कहते ये लुण कम खा प्रकृति में कौन लुण सहित किसी लिंक अच्छे कि लुण कहीं कम खावाई कहुए लुण कम एथी कह जाए लुण एक्चुअली यंग एज रे एत मैटर कैनि ओल्ड एज्रे कौन हुए कि आम सल्ट आम जी लुण खाऊ आम बडी गोटे बालांसींग सिटम था तो आम जिते लुण खाऊ बडी जी दरकार से लुण रखे बाकी किडनी बाटे परिस बाटे बाहरी जाए तो जिते बयस हुए जो किडनी टी वीक हो जाए से कैपासीटा लुज कै तो से जो लुण आप खाऊ कि बडी जी रखिए एक्सट्रा भी रही जाए कहीं किडनी काढ़ी पार नियो से ही क्षेत्र में लुण जो आप बेस हो बडी नैचुराली ब्लड प्रेसर बढ़े तो यहाँ पर्सनेट बढ़े तो से जो गोटे नोशन रही जाए कि जिते आम बयस बढ़ो लुण कंटेन्ट डायट टे कमेदे आटलिस्ट किडनी उपर कम स्ट्रेस पड़े कहीं किडनी को एक्सट्रा परिश्रम करा पड़े लुण काढ़िया को तो से ही जगह कहुई लुणटे टी कम खाइले किडनी जी कैपासीटी कमिले भी आम यथार्थ लुण देहरे रहा तो से ही कनसेप्ट अनुसार लुण कम करा कहुए कि कौन लोक लुण बहुत कमे दिखते बहुत कमे दरकार नहीं मॉडरेटली नॉर्मल लेवा कथा कि नॉर्मल टिके लो रहा था एक्सट्रीम को भी जीवा भी दरकार नहीं कहीं लुण भी बॉडी बहुत जिनस दरकार अच्छे ओके डॉक्टर राउतराय अनेक पेशेंट आपण पाखु आसुथिबे केउ मानको आपण देखंती जे केउ मानको क्षेत्र रे आपण देखंती डेथ रो चांसेस अधिका रहउछि काहेकि ना साइलेंट किलर कहउछन हट्टा जन जानि परिबनी आकु डायग्नोसिस करी मेडिकल ट्रीटमेंट लेटर करा जे जोति पई डेथ रो चांसेस रहउछ ना अन्य किछ कारण रहइछि अनि जान तो साइलेंट किलर रे रीजन हला जो मानको ब्लड प्रेसर धीरे धीरे क्रमशः बढिछि आ से तको अटेंशन दउनाते लेटर से जण 45 वर्ष अछि तार 45 वर्ष रे बीपी आसला 150/160/90
ତାକୁ ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ତ ହି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍। ସେଇ ଲୋକ 47 ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ବିପି 170-90 ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 48 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଧର ସେ ଆଉ ଦେଖେଇଲାନି, ମାଇନର ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କଲା, 49 ଇୟର୍ସ ବିପି 170/90 ହେଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ୁଛି, ସିମ୍ପଟମ୍ ବେଶୀ ଆସିବନି। ସେଇ ଲୋକ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବିପି 190/100 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ବି ଜାଣିନି। ଏଇ ଲୋକର ଧର କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଲା, ତ ନର୍ମାଲ ବିପି 190/90 ରଖି ସେ ନର୍ମାଲ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଦେଖିଲା କି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫସିଲା, ତ ସେଇଦିନ ବିପିଟା ସଡନ୍ଲି 190/240 ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଦିନ ତାର ଦୁଇ ତିନି ଆଇନ୍ସ ହୋଇପାରେ, ବ୍ରେନ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ଫାଟିକି ହେମରେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ସଡନ୍ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ବି ହାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ତ ଗୋଟେ କମନେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କରିବେ, ତ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, ଆସିଲା ଦେଖିଲ ବ୍ରେନ୍ରେ ସିଭିୟର ବ୍ରେଣୀ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ କିଛି ମିଳିବନି। ଦେଖିଲା ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଥିଲା ଭାଇନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଲପଲ ଖାଇ କମିଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ନଟ୍ ନୋଟିସ୍ କରିବା, ଆଟେନସନ୍ ନଦେବାଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗ୍ରାଜୁଆଲ ସ୍ଲୋ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ବିପିର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବନି, ତ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଇଫ୍ ୟୁଆର୍ ମୋର ଦେନ୍ 45 ମଝେ ମଝେରେ ବିପି ଦେଖିବା କଥା, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଥରେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବିପି ଲୋ ହୋଇଯାଉଥିବ, ନର୍ମାଲ ଆସିଯାଏ, ପୁଣି ହାଇ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଲୋ ହୋଇଯାଏ, ତ ଏମିତି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ? ବିପି ହେଲା ମନର ସ୍ଥିତି, କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଇମୋସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା? ଆଜି ସକାଳେ ଖୁସି, ଦ୍ୱିପହର ଟିକେ ଡଲ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ, ରାତିରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇପାରେ। ସୋ ବିପି ହେଲା ମନର ସ୍ଥିତି, ବିପି ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକାଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 140/80। ଧର ମୁଁ ଏଇନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ଟୁଡେ ଆମ ଆଟେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଖୁସି ଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ବି 150/80 ହେବେ, ଏଇନେ ଗଲାରୁ ଟିକେ ଡଲ୍ ହେଇଯିବି ଗାଡ଼ିରେ, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରିଲାବେଳେ ମୁଁ ବିପି 120/70 ହେଇପାରେ। ସୋ ବିପି ହେଲା ମନର ସ୍ଥିତି, ତ ମନକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବନି, ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଇମ୍ପସିବଲ୍, ମନକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବନି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ରେଞ୍ଜ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ ବିପି ବେଶୀ ବଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ୍ରେ ବିପି ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ତ ରେଞ୍ଜ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର 1920 ମୁଁ ବିପିରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ବିପି ମୋତେ ରହିଲା ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେ, କାହିଁକି ମୋର ଯୋଉ ଏଟ୍ରାଭେଷ୍ଟାଟିନ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କମୁନି ଆଜ୍ଞା? 20 ମସିହାରୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ମେଡିସିନ, କମୁନି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମୁନି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ, ନମସ୍କାର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, 2020 ମସିହାରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମୁନି କି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମୁନି, ଥିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ମେଡିସିନ ବିପି ମେଡିସିନ 5 କି 6 କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଗ୍ରୁପ୍ର ମିଳେ, ହେଲା, କେଉଁ ବୟସ ନେଇକି କେଉଁ ମେଡିସିନ କାହାର ଫିଟ୍ ହେଇ କାମ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପରଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେମିତି କେଉଁ ବିପି ମେଡିସିନ କେଉଁ ଲୋକକୁ କେତେ ସୁଟ୍ କରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଏକ୍ସ ଔଷଧଟା ଖାଉଛି ମୋର କାହିଁ କାମ କରେନି, ମେ ବି ଏକ୍ସ ମେଡିସିନଟା ଡବଲ କରିବା ଦରକାର, 2x କରିବା ଦରକାର, ମେ ବି ଏକ୍ସଟା କାହାକୁ ଆପଣ ଫିଟ୍ କରି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ନେବା ଦରକାର। ତ ଧର ଆପଣ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଦେଖାଯାଇଛି କି 20% ଲୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବିପି ମେଡିସିନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧଟା ଡବଲ ଡୋଜ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆଡ଼ିସନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଡିସିନ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଡିସିନ ନେଉଥିବେ, ମେ ବି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଡିସିନରେ ଡୋଜ୍ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କିଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ବି କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଔଷଧ ପତ୍ର ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରେନି, ହେଇପାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର, ୟା ସହିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଧର ହେଇପାରେ 2020 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଆପଣ ସେମ୍ ଔଷଧ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଯାଇଥିବ, ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଲେ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଗଲା, ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ୱେଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 କେଜି ବଢ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କମିବା ଯୋଗୁଁ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ 5 ଜିନିଷ ସେଠି କମନ୍ ଅଛି, 4 ଜିନିଷ ରାଦର କହିବି, ଡାଏଟ୍, ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିବ, ବିନା ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସତରେ କଷ୍ଟ। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିଥିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇଲେ ବିପି କମିଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଡକ୍ଟର ରାଉତରାୟ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା 15 ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସିଏ ସେଇ ଲେଭେଷ୍ଟିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ବି କହୁଛନ୍ତି ଟେଲିମେସନ ଆଉ ଆମ୍ଲୋଡିପିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରେସର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡିସିନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ଖାଇବେ କଣ?
अच्छा 2015 रे ऑपरेशन नै थिले। हां ओके 2015 आपण जो ब्रेन ऑपरेशन हेतला सेटा ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पे ऑपरेशन हेतले कोन पे ऑपरेशन हेते ब्रेन ता पर डिपेंड करे कोन असुविधा हेतला कोन पे ऑपरेशन हेतले ब्रेन ट्यूमर हेतला ने बापट कान ऊपर ओके ट्यूमर से ठीक अछि ठीक अछि ताले ब्लड प्रेशर आपण टेलमी सटन अम्लोडिपिन नउ चंती ऑप्टिमम डोज रे नउ चंती तो आपण नेला पर भी बीपी बधे कंट्रोल होनी सेथमे से औषध देथवे बट बीपी कमे आपे गोटे रूल हैला आपण बीपी दर सबस्टेंशियल लो रहबे जतले से उपरटा 120 तलटा 80 रु कम रहइबो आ तीनटा खंड रेकॉर्डिंग रे कम रहइ आज भी देखिले मासे पर देखिले आ मासे पर देखिले एमती तीनटा रेकॉर्डिंग धर उपरटा 120 तळु रहइबो तलटा 80 तळु रहइबो ताहाले आमे बीपी औषध अधा करिया को चिंता करि पारे हेइ पारे आपण जेबे भी डॉक्टर को देखौ छन ड्यू टू सम रीजन बीपीटा हाई रहउ छी से जो से कमे आउसे रे भाबि पार नथि बट डेफिनेटली आपण भी चेष्टा करंतु पर डिजिटल मशीन किणंतु घरे बीपी देखंतु देखंतु तर बीपी सबसिक्वेंटली तीन चारटा रेकॉर्डिंग सात सात दिन फरक रे धर 120 80 तळु रहउ छी ताहाले धीरे धीरे औषध डॉक्टर को परामर्श रे कमे पारिबा धन्यवाद विजयलक्ष्मी मैडम कॉल करथिबारु तबे डॉक्टर राउतराय आम जमी आलोचना करछन आपण कहते जो लाइफ स्टाइल कथा कहते तो आउ जानवा को चाहबू जे जो ब्लड प्रेशर वंशगत कि मैं जो फैमिली रे कहार पूर्व थाए तो नेक्स्ट जेनरेशन हमारे चान्सेस किसी जेनेटिक कजेस अच्छी फैमिली अच्छी मोस्टली नॉन जेनेटिक बट किसी जेनेटिक कजेस भी अच्छी जो थी हाइपरटेंशन फैमिली रे ट्रांसफर हो पाए। अच्छा ओके तेज डॉक्टर राउतराय आउ गोटे कथ जे जड़े ब्लड प्रेशर रोगी लाइफ स्टाइल केमती होगा दरकार विशेषकर क्यों क्यों खाद्य को अवॉइड कर लुण कथ कहते आम कथे एमती किसी खाद्यपेय अच्छी जहाँ को अवॉइड करवा दरकार जो ब्लड प्रेशर रोगी डेफिनेटली तो आम सॉल्ट रिच डाइट अवॉइड कर जेटा लुणो माने सॉल्ट रिच डाइट तो सेतरे बहुत गुडा हमर स्पाइसी खाइबा कि मसला खाइबा स्पाइसी भी एक्चुअल स्पाइसीज एक्चुअल स्पाइसीज से प्रॉब्लम नै से प्रिपरेशन लुणो पड़ी जाछली प्रॉब्लम तेल पड़ी जाछ प्रॉब्लम त हम जेटा कोनी स्पाइस स्पाइस तेल जे मसला मसला डजंट हैव एनी इशू एते प्रॉब्लम नै किंतु मसला करिया के हम तेल लुणो दरकार ना सेटा प्रॉब्लम तरकारी टेस्टी करिया लुणो दरकार आडे टेस्टी करिया तेल पके दैट इज द प्रॉब्लम स्पाइस से प्रॉब्लम नै एक्जेक्टली तेल लुणो प्रिपरेशन प्रॉब्लम फ्रैंकली चिकन मटन रे चिकन मटन हे पारे चिकन आ फिश रे प्रॉब्लम नै प्रॉब्लम प्रिपरेशन रे ओके ओके टिके अटके भी डॉक्टर राउतराय जेतु समय हम पाखरे कम रहछन्ती शेष कलर आमे नै जेबा कलटी भुवनेश्वर जने कलर जोडी छन्ती के कोथले एवं कोड कोथले कोन प्रश्न रहिछ कोन्तो हेलो सुनि पडछन्ती अब बोधे कलटी कटि जाए तेरे डॉक्टर राउतराय जेहतु समय हम पाखे कम शेष प्रश्न आपन को रहा जे जो मैंने विशेषकर ब्लड प्रेशर जो मानकर नहीं किंबा जदि आप फैमिली कथा मध्ये कहते तेबे कौन अप्लिकेशन्स नेबे से माने केमती लाइफस्टाइल बंचिबे लाइफस्टाइल बंचिया पे एक्चुअली एति देखे करया कि एक्चुअली आमे समस्त वी विल ऑल ग्रो ओल्ड वी विल ऑल डाई वन डे तो ताकि एत स्ट्रेस प्रतिदिन स्ट्रेस अवॉइड करा पड़े बड़ बड़ स्ट्रेस ना छोट 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 स्ट्रेस रिएक्ट करानी वन टू है यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ तो इश्यू है कि लास्ट पर्यटन भले बचा तो एक्सरसाइज रखा निज डेली एक्टिविटी रे किसी मेडिटेशन रखा किसी डाइट कंट्रोल रखा किसी रिजन खोजा सब दिन खुशी होगा खुशी रहा टेंशन टू दूर रही हम तो आम ब्लड प्रेशर ठीक दूर रही पार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राउतराय आप आसिले आम सहित प्रेस्क्रिप्शन आलोचना सामिल है बहुत बहुत धन्यवाद तेरे दर्शक बंधु आप प्रेस्क्रिप्शन में जहाँ टॉपिक रही है ब्लड प्रेशर को नहीं जदि आप चाहूँगी जे रोग को अवॉइड करने तेज आप चिंतामुक्त रुंतु सब खुशी रुहतु तेज समय सरी आमर यह कार्यक्रम को ये रखु पुणी देखा आगामी एपिसोड में आज जो अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मतलब विदाय दिंतु नमस्कार।